प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज भी प्रभु का वचन लेके आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो महान अद्भुतकारी प्रभु है। हम लोग वचन से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों, हम लोग कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों पांचवा अध्याय उसका वचन छह में हम लोग पढ़ता है कि छः सातवा वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलता है। हम लोग एक रूप को देखते हुए नहीं चलता हूँ, हम लोग किसी रूप को देख के नहीं चलता हूँ, हम लोग किसी हमारा आंख से देखने वाला कुछ चीजों को देखते हुए हम लोग नहीं चलता हूँ, हम लोग विश्वास पर चलने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वाला है। और हमारा जीवन दादा परमेश्वर आज भी वो जीवित है, हमारे लिए विश्वास दिया हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज भी जीवित है, वो हमारे परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर है, वो हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है, वो आपका और हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। और यहाँ पे कहता है कि हम मनुष्य सब कुछ रूपों को देखते हुए चलता है, कुछ चीजों को देखते हुए चलता है, हम वैसा नहीं, हम विश्वास पर चलने वाला है। हम लोग विश्वास के ऊपर चलते हैं कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ कार्य करेगा, प्रभु हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो ये संसार पर हम लोग देखने से बहुत सुंदर वाला जगह है, और हम लोग ये सुंदरता के ऊपर ध्यान दे के नहीं चलता है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देते हुए चलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हमारे प्रभु जीवित है, आज भी हमारे प्रभु जीवित, वो महान अद्भुतकारी प्रभु है। मेरे प्रियो आठवां वचन कहता है, इसलिए हम डाटस बांधते रहते और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहने और भी उत्तम समझते हैं। हम लोग ये शरीर से हम लोग दूर होते हुए, शरीर से हम लोग शरीर को दूर करते हुए हम लोग प्रभु के पास जाना चाहता है। हालेलुया। तो लोग आज हम लोग ये शरीर को छोड़ते हुए हम लोग प्रभु के पास जाना चाहता है। हम शरीर से अलग होकर हम लोग प्रभु के साथ रहना चाहता है, एक प्रभु के लोग होकर हम लोग रहता है कि हम प्रभु के साथ जाना चाहता है, हम प्रभु के साथ जाना चाहता है। क्योंकि प्रभु जीवित महान प्रभु है, वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, आज हम लोग शरीर में रहता है, ये शरीर में रहने के समय भी ये संसार में बहुत हम आंखों से बहुत कुछ देखता है, आंखों से बहुत कुछ हम लोग देख जाता है, पर हमारा विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग जाना है, वो प्रभु परमेश्वर के पास में हम जाना है। ये शरीर हर एक मनुष्य छोड़ देता है, ये संसार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति ये संसार से अपने शरीर, अपने ये मांस वाला ये शरीर, ये मिट्टी वाला ये शरीर, ये संसार में छोड़ के जाना पड़ता है। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु पर विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए नया शरीर देके, नया जीवन देके हमें आगे बढ़ाने वाला है, हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु वो जीवित है। आज भी आपके जीवन में ये संसार में हम लोग देखने वाला एक चीज वो हमारे से नष्ट होगा, हमारा शरीर नष्ट होगा, हमारे शरीर ये संसार पर मिट्टी बन जाएंगे, क्योंकि मिट्टी से हमें लिया हुआ है। आज भी हमारे प्रिय भाई और बहनों, हमने कोई खूबी नहीं है, प्रभु हमें बुलाकर अलग किया है, इसलिए कि हम ये प्रभु के वचन देखते हुए
करता है, क्योंकि प्रभु हमें आगे बढ़ाने वाला है, प्रभु हमें आगे बढ़ाने वाला है। ये संसार हमें छोड़ देता है, ये दुनिया के सभी लोग हमें छोड़ देता है, छोड़ देता है, हमें प्रभु परमेश्वर छोड़ता नहीं है। आज भी वो जीवित होकर हमारे बीच में है, हमको छोड़ने वाला नहीं, हमें त्यागने वाला नहीं, पर हमारा विश्वास है कि प्रभु के पास में जाना है। ये शरीर को छोड़ते हुए हम प्रभु के पास में जाना है। प्रभु हम हमारे रक्षा करने वाला प्रभु है। आज हमारे यीशु मसीह ये संसार में आया है और ये संसार पर आके आपको और मुझे बचाया हुआ है। वो हमें बचाने के लिए आया है। क्यों बचाना है? दुनिया पर सभी लोग आंखों को देखने वाला चीजों पर ध्यान दे के चलता है, पर प्रभु ने बताया मैं आपके लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपके लिए जगह तैयार करते हुए मैं आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को मेरे साथ लेके जाएंगे। आज हमारा विश्वास है कि हम स्वर्ग में जाना है, प्रभु के परमेश्वर के पास जाना है। आज हमारे आत्मिक मनुष्य प्रभु के पास में जाना है। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास ये धरती का कोई तेल और साबुन और कोई खाने का पीछे हम ईसाई बन गया नहीं है। आज हम लोग प्रभु के विश्वास में मजबूत होकर क्यों चलता है? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं। आज भी वो प्रभु हमारे साथ है। हमारे विश्वास ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे शरीर को छोड़ते हुए उनके पास चले जाएंगे। आज प्रभु आप सबको आशीष करते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन दादा हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज वजन लेके आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए धन्यवाद। आज सभी लोगों को आशीष करिए, तमाम लोगों को आशीष करिए। ओ प्रभु जी, हम लोग ये धरती पर हमारे आंखों को और देखने वाला चीजों के ऊपर विश्वास करके नहीं जाता है, हम उसी चीजों के ऊपर नहीं चलता है। हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने वाला है, विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाला है। प्रभु आपने हम आशीष करके आगे बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे, आमीन।